नमस्कार साथियों, तारीख है 14 मार्च 2019 और हम देखेंगे 13 मार्च से निकल के आने वाले करंट अफेयर्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज है हमारे पास 12 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, लेस इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, उनको मैंने सिर्फ पॉइंट के रूप में आखिरी में शामिल किया है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक के नए चेयरमैन कौन बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। एक्सिस बैंक के नए चेयरमैन कौन बने? आपके ऑप्शन है ए शिखा शर्मा, बी राकेश मखीजा, सी है संजय शर्मा और डी है नैना लाल किदवई। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, राकेश शर्मा एक्सिस बैंक के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए, ठीक है। और जो शिखा शर्मा है, ये पहले एक्सिस बैंक की CEO और MD रह चुकी हैं राकेश मखीजा के पहले, ओके। और ये संजय शर्मा तो इनके हस्बैंड है, और जो नैना लाल किदवई हैं, ये HSBC बैंक की कंट्री हेड रह चुकी हैं इंडिया में, ठीक है। HSBC जो कि चाइना बेस्ड बैंक है, इंडिया में भी ऑपरेट कर रही है, तो ये इंडिया में HSBC की कंट्री हेड रह चुकी हैं, मतलब पास्ट की बात हो रही है, और ये भी पास्ट में थी, ओके। तो राकेश मखीजा की फ़ोटोज़ भी देख लीजिए स्क्रीन पर, ये है राकेश मखीजा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस विमान की सारी उड़ानों पर DGCA के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक हफ्ते पहले इथियोपिया में बोइंग का एक विमान क्रैश हो गया था, जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए थे। तो उसके बाद जो इंडिया में सेम फ्लाइट ऑपरेट हो रही है, उसको निर्धारित किया गया है कि अभी सबको ग्राउंडेड कर दिया जाएगा। अभी कोई भी फ्लाइट तब तक उड़ान नहीं भरेगी जब तक सारे विमानों की फिर से जांच नहीं हो जाती, ओके, और वो जांच में खरे नहीं उतरते। तो आपको बताना है कि वो कौन से विमान हैं जिसको ग्राउंडेड कर दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए बोइंग 737 मैक्स, बी है बोइंग 777, सी है बोइंग 777X और डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, बोइंग 737 मैक्स को ग्राउंडेड कर दिया गया है, ठीक है। और DGCA क्या है, DGCA का फुल फॉर्म देख लेते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के द्वारा प्रदान किए गए डेटा के अनुसार RBI स्वर्ण भंडारण में वर्तमान में किस स्थान पर है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है RBI में इस वक्त कितना स्वर्ण भंडारण है, कौन से स्थान पर स्वर्ण भंडारण विश्व में रैंकिंग में देखा जाए तो स्वर्ण भंडारण में विश्व में कौन से स्थान पर है। आपके ऑप्शन है ए 10वें, बी 11वें, सी है 9वें और डी है 12वें। एंड द करेक्ट आंसर इज करेंटली जो RBI है वो 11वें स्थान पर है, ठीक है। रिपोर्ट किसे जारी की, रिपोर्ट जारी की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने, ठीक है। और इसके अलावा प्रथम तीन हम देख लेते हैं, प्रथम तीन कौन है, तो पहले नंबर पर है US गोल्ड रिजर्व, जिसके पास है 8,133.5 टन सोना। इसके बाद सेकंड पे है जर्मनी, जिसके पास है 3,359.60 टन सोना। उसके बाद तीसरे नंबर पे है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके पास है 2,814 टन सोना, ओके। और भारत के पास है लगभग 687 टन, और भारत के पहले आ रहा है नीदरलैंड, यानी कि 10वें नंबर पे नीदरलैंड है, और उसके पास है लगभग 692 टन, यानी कि भारत से 5 टन ज़्यादा नीदरलैंड के पास है, और जल्दी भारत इसको सरपास कर जाएगा, ओके। भारत 10वें नंबर पे आ जाएगा भविष्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में कैजुअल्टी कॉम्बैट ड्रग्स विकसित की गई है, कैजुअल्टी कॉम्बैट ड्रग्स, ठीक है, जो सिपाही वगैरह जख्मी होते हैं युद्ध के हालात में, या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो सिपाही जख्मी होते हैं उनके लिए ये ड्रग्स डेवलप की गई है, ठीक है। कैजुअल्टी कॉम्बैट से क्या मतलब है, जैसे ही कोई सिपाही जख्मी हुआ तो तुरंत उसकी ब्लीडिंग वगैरह कैसी रोकी जाए, सीलेंट कैसे लगाया जाए, वो सारी ड्रग्स डेवलप की गई हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, भारत में किसने विकसित की है। आपके ऑप्शन है आयुष, बी एम्स, सी है बर्निंग ब्रेन सोसाइटी और डी है DRDO। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, DRDO ने ये दवाइयाँ विकसित की है, ठीक है। और DRDO के भी अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट आता है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलिड साइंस, यानी कि INMAS, जो DRDO के अंतर्गत आता है, उसने ये दवाइयाँ डेवलप की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब WWW जिसको हम कहते हैं, इंटरनेट सभी चलाते हैं, जाहिर सी बात है, ने अपनी उत्पत्ति के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। ने अपनी उत्पत्ति कहिए या खोज कहिए, इसने अपनी खोज के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। आपके ऑप्शन है ए 30 वर्ष, बी है 35 वर्ष, सी है 25 वर्ष और डी है 20 वर्ष। एंड द करेक्ट आंसर इज ए
30 वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब ने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। और ये किसने खोजा था उनका भी देख लेते हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट सर टिम बर्नर्स ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जो बैंकिंग एग्जाम देते हैं, कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ब्रिटिश साइंटिस्ट सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा WWW फाइल शेयरिंग सिस्टम 12 मार्च 1989 को खोजा गया, ठीक है। 12 मार्च 1989 में खोजा गया WWW क्या फाइल शेयरिंग सिस्टम है। साइंटिस्ट का नाम भी याद रखिए, कब खोजा गया ये भी याद रखिए। WWW पूछा जा सकता है क्या है, तो याद रखिए फाइल शेयरिंग सिस्टम है, ओके। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने एम्प्लॉय शेयर परचेस स्कीम ESPS के माध्यम से 660.80 करोड़ का फंड अर्जित किया। तो उस बैंक का नाम बताना है जिसने एम्प्लॉय शेयर परचेस स्कीम से इतना फंड अर्जित किया। आपके ऑप्शन है SBI, यस बैंक, सी है बैंक ऑफ इंडिया और डी है देना बैंक। एंड द करेक्ट आंसर इसी, बैंक ऑफ इंडिया ने ये फंड अर्जित किया है, ठीक है। क्या होता है एम्प्लॉय शेयर परचेस स्कीम, जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो बैंक के शेयर्स खरीद सकते हैं, यही एम्प्लॉय शेयर परचेस स्कीम है। और ये आजकल हर कंपनी में हो रहा है, मैक्सिमम कंपनीज में एम्प्लॉय भी अपनी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, ऐसा हो रहा है, कंपनी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को भी शेयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने किसे फिर से अपनी टीम का कोच घोषित किया है। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिए, स्पेनिश फुटबॉल क्लब का क्या नाम है, रियल मैड्रिड। तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है कि रियल मैड्रिड किस देश का स्पोर्ट क्लब है, तो आपको स्पेन आंसर करना है, ठीक है। तो इन्होंने किसे फिर से अपनी टीम का कोच घोषित किया है। आपके ऑप्शन है ए रोनाल्डिनो, ये RO आएगा रोनाल्डिनो, बी है डिएगो कोस्टा, सी है डेविड सिल्वा और डी है जिनेडाइन जिदाने। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, जिनेडाइन जिदाने को फिर से इस टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और ये 2006 के बाद जिनेडाइन जिदाने काफ़ी विवादित पर्सनैलिटी थे। 2006 में इन्होंने एक काउंटर खिलाड़ी के छाती में अपना सिर मार दिया था, वर्ल्ड कप चल रहा था 2006 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसमें अपने दूसरी टीम के खिलाड़ी के सिर छाती में अपना सिर मार दिया था। उसके बाद से इनको सस्पेंड ही कर दिया गया था, ख़त्म ही कर दिया गया था इनका फुटबॉल करियर। तो उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे 2006 में, तो इनको फिर से इस टीम का कोच बनाया गया। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है गाइस, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आहार जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय आहार एवं सत्कार मेला है का 34वां एडिशन कहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक है। 34वां एडिशन आहार का कहाँ पर आयोजित हुआ, और आहार क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय आहार एवं सत्कार मेला है। तो ऑप्शन है ए दिल्ली, बी जयपुर, सी भोपाल और डी इंदौर। एंड द करेक्ट आंसर इज ए दिल्ली। और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, मैक्सिमम ये सारी चीज़ें दिल्ली में ही आयोजित होती है, तो नहीं भी पता हो तो आप दिल्ली पे गेसिंग लगा सकते हैं किसी एग्ज़ाम में, 70% से ज़्यादा दिल्ली में ही होते हैं सब। तो इसका एक पोस्टर भी है, देख लीजिए, इस पर आहार लिखा हुआ है, ठीक है। 12 से 16 मार्च तक ये आयोजित होगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, युद्ध अभ्यास अल नागा भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है। तो इस एक्सरसाइज की तीसरा पार्ट आयोजित हुआ है, किस देश के साथ भारत ये एक्सरसाइज करता है। आपके ऑप्शन है ए मालदीव, बी ओमान, सी तुर्की और डी अफगानिस्तान। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, ओमान के साथ भारत ये युद्ध एक्सरसाइज करता है। कब से कब तक चलेगी, 12 मार्च से 25 मार्च, 12 मार्च से 25 मार्च तक ये युद्ध एक्सरसाइज चलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। कैपिटल क्या है ओमान की, वो है मस्केट। करेंसी है रियाल, RIAL रियाल है, मस्केट कैपिटल है, और प्राइम मिनिस्टर है काबूस बिन सैद अल साइब। कैपिटल है मस्केट, करेंसी है रियाल, और प्राइम मिनिस्टर है काबूस बिन सैद अल साइद, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को प्राप्त करने वाली कौन सी भारत की तीसरी कंपनी बन गई है, तीसरी कंपनी कौन सी बन गई है 6 ट्रिलियन को टच करने वाली। आपके ऑप्शन है ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी TCS, सी है टाटा मोटर्स और डी HDFC। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, HDFC तीसरी बैंक बन गई है, ठीक है। जिसकी मार्केट वैल्यू 6 ट्रिलियन हो गया। ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, 12 जीरो होते हैं, तो 6 ट्रिलियन का मतलब क्या है, 6 ट्रिलियन का मतलब है यहाँ पर 60 खरब, ओके। और पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकेंड पर है TCS और थर्ड पर आ गई है HDFC। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉरपोरेशन बैंक ने 12 मार्च 2019 को अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया। कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ठीक है।
12 मार्च 2019 को 114वां स्थापना दिवस मनाया, तो ये भी ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि किस बैंक ने अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया, तो आपका आंसर करना है कॉरपोरेशन बैंक। और कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए बंगलोर, बी मंगलोर, सी है चेन्नई और डी है मुंबई। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, मंगलोर में इस बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, और टैगलाइन क्या है? प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, जो कॉरपोरेशन बैंक की टैगलाइन है, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। 1906 में स्थापना हुई थी इस बैंक की, 1906 में। और चेयरमैन कौन है? पीवी भारती इस बैंक के चेयरमैन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अभियान को सर्वाधिक कपड़े दान करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो एक अभियान चालू किया गया था ज़रूरतमंद लोगों के लिए कपड़े इकट्ठे करने और उन्हें दान करने के लिए, तो इस अभियान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जगह मिल गई, तो आपको उस अभियान का नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए पहनावा अभियान, बी है कपड़ा अभियान, सी है वस्त्रदान अभियान और डी है वस्त्रम अभियान। एंड द करेक्ट आंसर इसी, वस्त्रदान अभियान को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं। लक्षराज सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया था। लक्षराज सिंह ने अभियान शुरू किया जिसमें 3,29,250 कपड़े 76,000 लोगों के द्वारा दान किए गए। ठीक है, 3,29,250 कपड़े 76,000 लोगों के द्वारा दान किए गए, जो कि अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे बड़े ज़्यादा कपड़े दान करने का। ठीक है, तो इसके लिए उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली, तो वस्त्रदान अभियान को ध्यान रखिएगा। चलिए आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। 89वां दांडी यात्रा दिवस 12 मार्च को मनाया गया। ठीक है, तो 1930 में 12 मार्च के दिन दांडी यात्रा शुरू हुई थी, जो कि 30 अप्रैल को ख़त्म हुई थी। तो 12 मार्च को दांडी यात्रा दिवस मनाया जाता है, तो 89वां दांडी यात्रा दिवस मनाया गया। इसके अलावा इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक 2019 दिल्ली में आयोजित किया गया, जो कि 12 से 16 मार्च तक चलेगा, इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक। ठीक है, तो इसमें 55 देशों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे, तो इतना IMP नहीं है हमारे लिए, और ये पहला वाला भी इतना IMP नहीं है। हिस्ट्री के लिए अच्छा ही है, बाकी दूसरे दृष्टिकोण से IMP नहीं है। कला इतिहासकार एवं पिकासो की जीवनी लेखक सर जॉन रिचर्डसन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पिकासो कौन थे? पिकासो एक महान चित्रकार थे, तो उनके जीवनी लेखक सर जॉन रिचर्डसन थे, जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके अलावा आखिरी, सोना युक्ति, जो कि एक कौशल विकास संस्थान है, सोना युक्ति क्या है? एक कौशल विकास संस्थान है, को केपटाउन साउथ अफ्रीका में सोशल एंटरप्राइज नेटवर्क से सम्मानित किया गया, सोशल एंटरप्राइज नेटवर्क अवार्ड से सम्मानित किया गया सोना युक्ति को। तो ये थे गाइस हमारे आज के 12 क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 15 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।